रामदास जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। ये विधि का विधान बड़ा विचित्र है। और कहिए, आपकी पत्नी का सब कुछ कार्य संपन्न हो गया? जी। देखिए, ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें सुख है, दुख है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। कभी राजा से रंक बनता है, कभी रंक से राजा हो जाता है। कभी अच्छा जीवन मिलता है, कभी दुखी जीवन मिलता है। ये संसार का नियम है। आप इसमें दुखी मत होइए। आप अपनी जन्मपत्री ले आए हैं जी, दीजिए। तो आपकी जन्मपत्री को देख करके तो लगता है आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत जीवन में
उतार चढ़ाव भी देखा है आपने, परंतु आपको बहुत जल्दी ही माता से वियोग हुआ और एक बेटी भी आपकी मृत्यु के मुंह पर चली गई है जी। और एक आपका बेटा है वह भी लगता है कि बाहर विदेशों में चला गया और वहीं जा कर के वो बस गया, वहीं ब्याह किया, उसके बेटा बेटी भी है उसके जी, वो भी आपसे दूर ही रहे। देखिए हमारे जीवन में एक ग्रहों की स्थिति होती है, ये आकाश में तारा विचरण करते हैं, सूर्य आदि ग्रह, और इनका प्रकाश हमारे जीवन में आता है और नक्षत्रों के आधार पर हमें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब ग्रह प्रदान करते हैं। ग्रह के ऊपर ही हमारा जीवन टिका हुआ है, उन पर ही हमारा ग्रह निर्भर है, इसीलिए इसको हमारे यहाँ वेद की आँख बताई है ज्योतिष को। ज्योतिष के द्वारा हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात होता है, परंतु जन्मपत्री देखने पर मुझे लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी भूल की है कि आपने कोई गुरु नहीं बनाया, 30 साल के उम्र तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया, गुरु न बनाने से भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की विपदाएं आई हैं ऐसा लगता है। अब इस अवस्था में मैं गुरु के लिए क्या करूं, गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बहुत समय गुजर चुका है। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, आप सद्गुरु के शरण में जाइए और गुरु ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएंगे और गुरु के बताए गए मार्ग में आप चलेंगे तो अवश्य उसमें मंगल ही होगा, कल्याण होगा और वो उत्तम मार्ग बताएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु और शिव की तरह हो करके गुरु हमें सतमार्ग प्रदान करते हैं, इसलिए आप गुरु के शरण में जाइए और गुरु के मार्ग में चलिए, आपका जीवन मंगलमय सुखमय आनंदमय होगा।
Thank you.
भीतर इस संसार के मृत्यु के भय से डरा हुआ यत्र पन्नम इतनी शरारत दी संसार के आप जो मेरे मंगल के लिए मेरे कल्याण के लिए उपाय कर रहे हैं मुझको राजगद्दी में बैठाना चाह रहे हैं आप पश्चात जो धर्म है उसको अपनाने लग गए। एनिमल प्रोटीन में जो प्रोटीन है मांस भक्षण करने से उसमें से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसके 5 गुना प्रोटीन हमें सुनत शाम को घर की सुख भूली हृदय में आनंद प्रेम पुलकित भय सब अंग भय भर आए जलने कंठ सुमर गद है गए बोले मेरे ठाकुर की ओर एक चरण चल कर आता है मेरे प्रभु 10 कदम दौड़ कर आते हैं Thank you.
माता के वृंदावन में कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में संतों के दर्शन कर होंगे, सतगुरु की प्राप्ति होंगे, सच्चे गुरु की तलाश में मैं प्रदेश से आया हूँ। इतने सारे संत महात्मा आए हैं, सब में कोई न कोई तो गुरु तो क्यों नहीं, अवश्य मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब हो जाए, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। गुरु तो नारायण के स्वरूप होते हैं, कब किसको कैसे किस रूप में मिलते हैं, मिल सकते आए तो विदेश चले गए, वो तो आप भारत हाँ तो भारत का आदमी विदेश नहीं जाकर रहता है, नहीं नहीं जी जी नहीं क्या, मैंने यही कहा है बहुत, तो आप भारत के विदेश से आए हैं, आए जरूर यहाँ से भारत से चले गए विदेश, और कहाँ विदेश से आए। ব্রজের মাটি দেহ খান ব্রজের মাটি হোক, কার্যক্রম
मेरी सारी कामनाएं तो पूरी कर दी है। मैं व्यापारी था जी, व्यापार के सिलसिले में देश विदेश हर जगह गया जी। वो कामना तो नहीं थी। सुना है भारत जो एक सिद्धों की भूमि है जी, गुरुओं की भूमि है जी, संतों की भूमि है जी। ये उद्देश्य से मैं भारत आया हूँ जी, सच्चे गुरु की तलाश में जी, मुझे कहीं मिल जाएंगे। तो प्रभु की ऐसी लीला है कि आप सही स्थान पर आए हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि देखिए गुरु जो होते हैं वो गुरु के बारे में हमारे यहाँ बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य के बिना प्रभु का जो है संग आपको नहीं हो सकता। सत्संग रूपी ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर में होती है। मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब सदगुरु मिल जाएंगे। और सदगुरु कब मिलेंगे? जब सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे।
जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आज इस मंच पर ना किसी से बातचीत कर सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना कहीं आ सकते हो। भय तो भय ही है ना, भय का मतलब ही क्या होता है? तो भय एक डर ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। भय ये उस्त्रा है, उस्त्रे का प्रयोग कर रहे हो गाल पर, तो ये उस्त्रा तो काट भी सकता है, यहाँ भी काट सकता है, तो इससे तो गर्दन भी कट सकती है। बिल्कुल। और इस बात को समझते हुए भी लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं, आकर के कटिंग करते हैं, कटवाते हैं, उनको भय नहीं होता है? भय होता तो कटवाने नहीं आते, तो काहे को कटवाने आते भय होते तो। ब्लेड है, बना रहे हैं, हमारे अंदर हाथ में इतनी हुनर है कि ना तो कट लगेगा ना कटेगा, इतना उन लोगों को विश्वास भी होता है जो कटवाने आते हैं दाढ़ी। विश्वास होता है इसी बात का कि ना तो कट लगेगा ना वो होगा ना स्पॉट आएगा, इससे दाढ़ी पर निखार ही आएगा इससे। Thank you.
लोग कहते हैं कि शिष्य गुरु की सेवा करता है, मगर ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य की सेवा करता है, गुरु पढ़ाता है, लिखाता है और हर चीज आगे बढ़ाता है। और सितार सिखाते हैं, सितार सिखाने में क्या है कि जब सितार सीख जाता है बच्चा, तो जब सितार से आवाज़ निकलती है, जब सितार से आवाज़ निकलती है तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं तो चेला को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने पे आगे बढ़ता है। महाराज जी, आपकी सेवा में जीवन में उचित मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। मुझे आप उचित मार्गदर्शन, जिस प्रकार से मुझे अच्छे सुख शांति प्राप्त हो, वो मुझे उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं एक प्राथमिक स्कूल का अध्यापक था। अध्यापन करना, पढ़ाना मेरा कर्तव्य था। छोटे छोटे बच्चों के बीच में रह करके हंसना, बोलना, उनके साथ खेलना, उनके जीवन उनमें भगवत स्वरूप का दर्शन करना, यह मेरी भावना थी। उससे मुझे अधिक सुकून मिलता था, शांति मिलती थी और आनंद मिलती थी। तो उसी कार को फिर आप दोबारा उठाइए जिसमें आपको सुख शांति मिलती है, उसी कार को फिर उठाइए, तो उसमें जो है हमारी प्रसन्नता और आपको आशीर्वाद है, जिससे आप प्रसन्नता से काम करें और हम भी प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद दें, उससे आगे बढ़ें। उसी कार में आपको सफलता आगे मिलेगी और मिलती रहेगी। उसी कार को जो है आगे बढ़ाइए। और
हाँ भाई तुम लोग, तेरा नाम क्या है बेटा? खड़े हो जाओ, क्या नाम है? बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? खड़े हो के बताते हैं ऐसे, ठीक से खड़े हो। हाँ क्या नाम है? बैठो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय।